यहाँ पे पानी तो लग ही नहीं रहा, एकदम से दूध लग रहा है। तो ये जगह है जो यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल दूध लग रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुस्कोप से। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फरी, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अभी मौजूद हूँ महाराष्ट्र में। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो अभी जो मेरे वीडियो आ रहे हैं वो आप लोग समझ रहे होंगे कि उत्तराखंड के हैं या हिमाचल के हैं या इस तरफ से जम्मू कश्मीर के, वैसा नहीं है। अभी मैं महाराष्ट्र में मौजूद हूँ। जी हाँ दोस्तों, इगतपुरी अगर आप लोग देखोगे इंटरनेट पे तो ये अच्छा खासा हिल स्टेशन है, जहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, बहुत किले देखने को मिलेंगे। और नासिक जैसी जगह पे आ जाओगे तो आप लोगों को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हो जाएंगे। उसी में से आज हम इगतपुरी से करीब 50 से 55 किलोमीटर दूर अहमदनगर जिले में मौजूद है। और यहाँ पर वाटरफॉल है, एक क्या नाम है भाई, भूल गए। तो दोस्तों, यहाँ पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है रंधा वाटरफॉल, जहाँ पर कई 100 फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग हो चुकी है। बड़े बड़े एक्टर्स यहाँ पर आके फिल्म शूट कर चुके हैं। यहाँ तक राजेश खन्ना साहब की भी एक फिल्म की शूटिंग यहाँ पे हुई है। तो वो आज हम वाटरफॉल दिखाने वाले हैं। ये सीजन, रेनी सीजन अभी जस्ट क्रॉस किया है, पिछले महीने ज्यादा बारिश हुई है। अभी सितंबर में उतनी बारिश यहाँ पे नहीं है, तो काफी अच्छा नजारा यहाँ का दिखने वाला है, होने वाला। कैसे आना है, कब आना है, कहाँ से आना है, सारा कुछ इस वीडियो में आगे हम बताने वाले हैं। दोस्तों, आगे से आए हैं यहाँ पर, और हम आए थे अम्ब्रेला वाटरफॉल से। एक डाला मिल गया था, डाला ने 40-40 रुपए दे के 12-13 किलोमीटर अम्ब्रेला वाटरफॉल से ये आगे पड़ता है, और अम्ब्रेला वाटरफॉल तक बस आती है। बस से आप लोग आ सकते हो, वो भी कहाँ से, घोटी से। तो इगतपुरी से सुबह हम घोटी आए थे, घोटी से हम लोग अम्ब्रेला वाटरफॉल बस से आए थे। फिर अम्ब्रेला वाटर से वाहन आपको ढूंढना पड़ता है, बस आती है, लेट आती है। तो अम्ब्रेला से हमें मिल गया था एक डाला से 40-40 रुपए दे के हम लोग यहाँ पर आगे उतरे हैं, आके आगे रोड पर। वहाँ पर हम लोग बड़ा पाव वगैरह खाए हैं, और सुबह के 11 बज रहे हैं अभी, और हम पहुंच रहे हैं रंधा वाटरफॉल। तो दोस्तों, ये रेनी सीजन के टाइम पर इन वाटरफॉल्स पे करीब लाखों यात्री हर साल विजिट करते हैं, जिनमें से ये बड़ा टूरिस्ट प्लेस है रंधा वाटरफॉल। इतना लोग यहाँ पे आते हैं बारिश के मौसम में, ये जो है ज़्यादा खिला खिला रहता है ना, कि पानी ज़्यादा यहाँ पर रहता है। यहाँ पर खाने के लिए थोड़ी सी दुकानें भी कुछ देखने को मिल जाएंगी, गन्ने का जूस इस समय भी देखने को मिल जाएगा। देखिए पीछे गन्ने हैं ना, तो इधर से अभी हम आ चुके हैं, और इधर से ये रहा गेट, छोटा सा गेट खुला है, वाहन आगे ले जाना मना है। इस तरीके की दुकान है, कुछ खाने को आपको मिल तो जाएगा इधर, है ना। ये देखिए मूंगफली मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाओ रंधा वाटरफॉल के खूबसूरत व्यू का मज़ा लेने के लिए। ये देखिए बीचों बीच में वहाँ पर छतरी जैसी बनाई है, वहाँ से पीछे आप लोग देखोगे किस तरीके से वहाँ से पानी आ रहा है, और छोटी छोटी घाटियों के बीच से ये रंधा वाटरफॉल का व्यू देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे भी जान फिल्म की शूटिंग हुई है। जान फिल्म में आप लोग देखोगे ट्विंकल खन्ना और जो अजय देवगन है, वो इसी पुलके पे जाते रहते हैं। और आगे एक ब्रिज बनाया गया था लकड़ी का, जिसको वो पार करते हुए दिखाते हैं ना, वो भी रील हमारी आएंगे इंस्टाग्राम पर, वो देखते रहना आप लोग। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से रास्ता है आगे तगड़े वाले वाटरफॉल को देखने के लिए। तो आप लोग इस वीडियो पे अंत तक बने रहना, क्योंकि यार वीडियो देखना, ऐसी ऐसी लोकेशन दिखानेंगे भाई, शायद ही आप लोगों ने कभी देखी होगी। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे एक मंदिर भी है, तो मंदिर में भी आप लोग दर्शन कर सकते हो। ये देखिए, ये देवी का मंदिर है, यहाँ पर प्रसाद भी मिल जाएगा और वाटरफॉल दोनों का नजारा, मतलब मंदिर में दर्शन करो। ये देखिए गन्ना का जूस मिल रहा है यार, वो भी सितंबर महीने में, हमारे यहाँ तो गन्ना अभी हुआ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं वो सफ़र वाटरफॉल के लिए, जिसके लिए आप लोग बेताब हो और हम भी, क्योंकि हम भी पहली बार आ रहे हैं फर्स्ट टाइम, और आप लोगों को भी फर्स्ट टाइम दिखाएंगे। ये देखिए, अगर इन पर लाइट लगा दी जाए शाम के टाइम पर, तो काफ़ी खूबसूरत देखने को ये लगेगा। और इसीलिए कहते हैं जो महाराष्ट्र है ना, उसको भी हल्के में नहीं लेना है भाई। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, काफ़ी अच्छे हिल स्टेशन है यहाँ पे इगतपुरी। वो देखिए वाटरफॉल एक चल रहा है ना, वहाँ पे भी अगर चलना होगा तो वहाँ पे भी चल के आप लोगों को दिखाएंगे। बाकी उधर देखिए पूरा पाइप लगा दिया, स्ट्रीट टेक्सचर एरिया है, और इस पर तो आ सकते हैं आप लोग वहाँ से।
इस जगह पे तो आ सकते हैं। और इधर से देखो कितना तगड़ा लग रहा भाई। और बाकी जो मेन जो धारा है वो वहाँ आगे गिर रही, वो चल के दिखाएंगे अभी। तो दोस्तों अभी इतना पानी इसलिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ये खूबसूरत नज़ारा इसलिए बन पा रहा है क्योंकि भंडारदरा में जल को छोड़ा गया, पानी को छोड़ा गया वहाँ पे भंडारदरा डैम से, इसलिए इतना खूबसूरत यहाँ पे ये वाटरफॉल बन पा रहा है। और यहाँ पे शूट होने वाली कई सारी फिल्मों में इन सीनों को भी दिखाया जाता है, जैसे कि इतिहास फिल्म में दिखाया गया था ना। तो चलिए अभी आगे चलेंगे, और भी काफी खूबसूरत आगे झरने हैं वो आपको दिखाते हैं। आप लोग इस वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। वाटरफॉल और जिस नज़ारे को दिखाने के लिए हम इतनी दूर आए हैं महाराष्ट्र में, तो वो देखने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ये है रंधा वाटरफॉल, ये देखिए सारा पानी एक पास से गिर रहा है। ओके, और जो नज़ारा है वो जहाँ मोहित करा है वहाँ से काफ़ी अच्छा देखने वाला है। यहाँ पर फैमिलीज भी आती हैं, कपल भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए। और इस मंदिर तक जा सकते थे हम लोग? नहीं, पता नहीं जा सकते थे कि नहीं। वहाँ पर जाते तो हैं लोग जब यहाँ पर पानी नहीं होता, सूखा होता है। जब भंडारदरा डैम को बंद कर दिया जाता है तब यहाँ पे पानी नहीं होता, सूखा पड़ा होता है, या तो बहुत चलेगा तो बहुत कम चलता है, बिल्कुल ना के बराबर है ना। तो ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, और ये देखिए इधर से पानी आ रहा है। चलेंगे थोड़ा सा आगे, और आगे भी आपको चल के दिखा दे दादी, देखिए क्या बेच रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर घूमने वाली हैं, तो आप लोग ऐसी जगह पर कभी ज़रूर प्लान करिए, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करके रखे रहिए। ऐसी जगह पर हम आप लोगों को समय समय पर घुमाते रहते हैं इन जगहों को। ये देखिए यहाँ से देखिए पानी हवा के साथ बातें कर रहा है, हवा के साथ उड़ रहा है, देखिए पूरा पानी हवा के साथ उड़ रहा है। और ये नज़ारे का आप लोग लुत्फ उठाइए, ये देखिए इस नज़ारे को आप लोगों ने जान फिल्म में भी देखा होगा। जान फिल्म में जो पुल बनाया जाता है ना, वो यहीं कहीं से पुल बनाया जाता है जान फिल्म में, लकड़ी का है कि नहीं, जिसपे ट्विंकल खन्ना लटक जाती है भाई, आप लोगों ने देखा होगा। फिर रस्सी काट देते हैं ना, फिर होता है इस तरीके का सीन, आप लोगों ने देखा होगा। तो बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर भी हुई है। और ये देखिए वाटरफॉल कितना तगड़ा लग रहा है भाई। ये यहाँ अगर नहीं आए ऐसी जगहों को देखने के लिए तो ज़िंदगी जीना बेकार है, तो एक बार ऐसी जगहों पर भी आना बहुत ज़रूरी है भाई। तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग देखोगे एकदम दूध लग रहा है, यहाँ पर पानी तो लग ही नहीं रहा है, एकदम से दूध लग रहा है। तो ये जगह है जो यहाँ पर देखो, ये बिल्कुल दूध लग रहा है, है मोहित, बिल्कुल दूध लग रहा है, लग रहा पानी नहीं है। कहाँ चला गया भाई ये? वो दे है। ये देखो भाई कहाँ नीचे आ गया यार, हटो इधर दिखाने दो, हटो दिखाने दो। ये देखो कहाँ खड़े हैं, या तो सुसाइड करेंगे या तो प्यार में अपना। भाई फाइनली अभी एक भाई हमें लेके जा रहे हैं बोटिंग के लिए, इस वाटरफॉल को नीचे से देखने के लिए इसको ना। हाँ भैया क्या नाम हो आपका? कैलाश मसले नाम है। कैलाश मसले क्या नीचे लेके चलने वाले? सीधा वाटरफॉल के नीचे सामने, बिल्कुल एकदम से ना सामने से, और खूबसूरत देखने को लगेगा है ना। अच्छा, तो ₹100 पर पर्सन लेके जा रहे हैं। दो लोग हैं तो दो लोगों को लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा सीट भर रहे या कुछ ज्यादा लोग हो जाए, तो जितना होगा जितना है तो उतना लेके चल रहे हैं। तो भैया चलो इसको क्रॉस करते हैं, यहाँ पे काफी खूबसूरत नजारा नीचे। अच्छा वो वाला भी चलेंगे क्या अपन? वो वाला सामने वाला, उधर का भी वाटरफॉल भी जाएगा, उधर भी जाएगा ना अपन, वहां से और ये वाला दोनों दिखाते हैं शुरुआत में जो दिखाता है। तो चलिए चलते हैं भाई। इस तरीके का कुछ नीचे का रास्ता है जाने के लिए। अब मेन तो जो है वीडियो अभी शुरू होने वाला है। पहाड़ी का रास्ता है सर, जंगल का रास्ता नहीं, पहाड़ी जंगल का रास्ता है ना पूरा। हाँ, अभी यहाँ से जो है हमें जो चलने वाला है, ये भैया की बोट खड़ी है, ये अभी मैं नीचे देख रहा था, एक कपल इससे घूम रहा था, तो मुझे भी लग रहा था कि मैं भी जाऊंगा। तो ₹200 में खूबसूरत नजारा दिखाते है आप लोग को। एक देखिए वाटरफॉल वो है, अच्छा 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 हाँ, तो वो जो है एक वाटरफॉल है उसको भी दिखाएंगे आपको, और वो रंधा वाटरफॉल वो भी दिखाएंगे। ये बोट हमारी भैया की खड़ी है जहाँ अभी हम लोग चल रहे हैं। तो ये जो है चीज काफी खूबसूरत, मधुमक्खी मंकी सारे देखने को मिलेगा है ना। चलो भैया यहाँ पे जान मूवी की शूटिंग हुई थी, वही जाने वाले हैं, तो वहाँ मेरे को बताना रास्ते में है ना। हाँ हाँ, पुल बनाया था ना वो, तो चलो भाई ये आ गए अपना वहां से आ गए वो वाले ब्रिज से। ये देखो रस्सी भैया खोल देंगे, भैया 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 रुको रुको खींचो इधर आराम से,
कहाँ बैठे थे? वो वाटरफॉल तक जाएगा, वहाँ तक जाएंगे पहले? हाँ, पहले वहाँ तक जाएंगे, वैसा राउंड मार के वहाँ तक जाएंगे, वहाँ तक जाएंगे। चलो भैया यार, बड़ा अच्छा जाने का, मधुमक्खी सब जीतने का। अपन अपन हिंदू भाई, ये गहरा भी बहुत है भैया कह रहे हैं, जो है ये जो चट्टान खड़ी है इससे कहीं दोगुना गहरा ये बना हुआ है, मतलब ये जो लेक है वो है। और मोहित बैठ गया, कहा है बैठ गया, डर रहा है वो वाला वाटरफॉल भी देखेंगे, पहले वो वाला चलेंगे अपन लोग, है ना। पानी एकदम ब्लू कलर का है भाई, बहुत तगड़ा लग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, कुछ और भी आगे सवारी है उनको भी ले लेते हैं। हाँ साथ में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चलेंगे चलेंगे, नहीं जाएंगे वो, नहीं जाएंगे। तो चलिए अपन लोग चलते हैं, खूबसूरत नजारे का व्यू लेते हैं यार, बने रहिएगा वीडियो पे। फाइनली इसकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है इंजन की, और हम थोड़ा पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। ये देखिए सामने हमारे पूरे लेक का नजारा है, और उस वाटरफॉल के भी सामने आने वाले हैं, जिस वाटरफॉल के लिए हम लोग वेट कर रहे थे, गंडा वाटरफॉल। और ये चारों तरफ पहाड़ियों के बीचों बीच जो है यहाँ पे बसा हुआ है, और इंजन की आवाज बहुत तेज आ रही है, और बोट हमारी तरफ से अभी तैयार है एकदम से। यहाँ पे देखो चलेंगे बैठेंगे सर, भाई तो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको तो देखने को नजारा मिलेगा। और दिखा रहा इधर, ये रहा कोच वंदा वाटरफॉल, पूरा का पूरा यहाँ पे आप देख पाओगे आप लोग रंधा वाटरफॉल का नजारा, जो खूबसूरत नजारा दिखता है वो यहाँ से मेन दिखता है, जो कि भैया लेके आ गए हमें। और ये पानी का बहाव इतनी तेज है, वो पूरा नीला नीला पानी है समंदर जैसा, वो पूरा ये देखिए पूरा नजारा है। बैक कैमरे को दिखाते हैं आप लोगों को, जान फिल्म वाला जो भैया पुल बनाया गया था वो यहीं पे बनाया गया था, इधर ही पूरा बनाया था उस समय। ये भी पूरा वाटरफॉल चल रहा था, एकदम ब्लू कलर का पानी देखिए, पानी इतना नीचे गिर रहा है तेजी से कि हमारी जो है नाव वो अपने आप जा रही है, मतलब चलानी नहीं पड़ रही, मोड़ना पड़ रहा, सिर्फ मोड़ना पड़ रहा, चल रही है अपने आप, पानी का बहाव इतनी तेज है ना। ये देखिए सामने से किस तरीके से व्यू है यार। और ये सामने भैया आगे भी कई जगह घूमने वाली है ना, आगे वाल्मीकि ऋषि का मंदिर है सर, वाल्मीकि ऋषि का मंदिर है आगे, वो भी काफी खूबसूरत है, उधर से जाने पे एक घंटा लगता है यहाँ से। अच्छा तो आप ये बोट ले जाते हैं आप चारों बाजू से पानी, जन्म उधर वो इधर। अच्छा अच्छा, पूरा द्वीप जैसा बना हुआ है ना, मैंने उधर बने लगे। अभी देख सकते हो आप लोग इस वाले वाटरफॉल के पास हम लोग आ चुके हैं, ये देखे यहाँ से ऊंचाई देखे कितनी ऊंची, वहाँ से ये दिखता पूरा प्रॉपर। और ये वाले वाटरफॉल को देखिए, ऊपर से हम आप लोगों को दिखा रहे थे, कितना खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है ना। यहाँ से अभी हम लोग घूम जाएंगे वापस, और बोट का जो 200 रुपए है वो पूरा अदा हो गया समझो के समझो। हाँ एकदम मस्त है भाई, फाइनली पूरा पैसा वसूल हो गया भाई यहाँ पे, जितना भी आए हम तो भैया बहुत अच्छा लगा यार। हाँ। मतलब अगर नीचे से अगर भैया बोट ना यहाँ पे चलाते तो नीचे से शायद ये नजारा ना देखने को मिलता, क्योंकि ऊपर से ही देख के हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से। तो एक बार आओ तो सेवा का अवसर भैया जरूर। तो कब सुबह से कब तक रहते, शाम तक? शाम 7 बजे तक। और सुबह? सुबह 6 बजे चालू हो जाता है। तो भाई एक बार जरूर यहाँ पे खूबसूरत नजारे का जो मजा लीजिए। यहाँ से लंबा भी है आप उनको, पूरा 2-3 घंटा वेट लगेगा अगर। हाँ 2-3 घंटे का पूरा वाइल्ड सेंचुरी एकदम। हाँ। पूरा द्वीप जैसा एक माहौल है अंदर, आइलैंड है आगे, आइलैंड है पूरा, है ना। वो इस पे अगर आगे चले जाते हम लोग तो वो भी देखने को मिलता है, वहाँ 1.5 घंटा जाने का, 1.5 घंटा आने का, 5,000 रुपए लेंगे भैया दिन भर, तुम थोड़ा वेट भी होगा ना। हाँ वहाँ पे रुकोगे भी आराम से ना, घूम के आने का समय भी देंगे वहाँ पे पूरा। उधर एक अपना भी निर्मित केंद्र पे। अच्छा अच्छा, तो अच्छा वो भी दिखाएंगे, सारा कुछ उधर रहता है ना। और यहाँ पे तो 20 से 25 मिनट जो घूमे भाई, जीवन का अद्भुत नजारा।